हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो अभी मैं बच्चों को मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट देने जा रही हूँ। तो आज मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट में दूंगी स्प्राउट, उसमें कुछ चने हैं, मूंग की दाल है, खड़ी मूंग, और साथ में एप्पल्स हैं, आमंड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को कभी कभी देती हूँ, वीक में एक बार ब्रेकफास्ट में ये चीज़ तो ज़रूर होती है। तो मेरा डेली एक चार्ट मैंने बना रखा है, उससे बहुत आसानी होती है, हम रोज़ कुछ ना कुछ नया खा सकते हैं। तो इसलिए मैंने चार्ट बनाया है ताकि हम लोग रोज़ रोज़ वही खाना ना खाएं। वैसे तो मेरे हस्बैंड को डेली सब्जी पराठा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम लोग यूपी साइड के हैं और यूपी साइड में ज़्यादातर घरों में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में सब्जी पराठा ही बनता है। तो सबसे पहले तो सब्जी पराठा बन चुका है और मेरे हस्बैंड टिफ़िन लेके ऑफिस जा चुके हैं। तो अब मैं बच्चों को दे रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा उनको भी सुबह खाने के लिए ये दिया था, और टिफ़िन में मैंने सब्जी पराठा पैक किया है। और यहाँ पर मैं भी स्प्राउट खाऊँगी बच्चों के साथ। तो आप भी अपने बच्चों के लिए स्प्राउट वीक में एक बार ज़रूर दीजिए और ख़ुद भी ज़रूर स्प्राउट खाइए, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इसे अपनी डाइट में, ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल करें स्प्राउट। यहाँ पे मैंने एप्पल को कट कर लिया है और ये देखिए, ये हैं स्प्राउट। ये स्प्राउट मैंने रात में ही सोख करके रख दिया था, और साथ में इसमें मैं डालूँगी एक चम्मच किशमिश। किशमिश के साथ फ्रेंड्स आप इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें डालती हूँ किशमिश और साथ में डालती हूँ आमंड्स, इसको भी मैंने ओवरनाइट सोख करके रख दिया था। फ्रेंड्स आप बादाम अगर किसी भी चीज़ में डालें तो बादाम को खोल कर ज़रूर देख लें। एक बार मेरे बादाम में अंदर से कीड़ा निकल आया था, तब से मैं बादाम को छीलती हूँ, और छीलने के बाद इस बादाम के मैं दो टुकड़े करती हूँ और अंदर देखती हूँ बादाम में कोई कीड़ा तो नहीं है। जब से मैंने बादाम में कीड़ा देखा है तब से मैं इसी तरह से बादाम यूज़ करती हूँ, उनको छीलती हूँ और फिर उसके बाद उस बादाम के दो टुकड़े ज़रूर करती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालूंगी, आप चाहें तो लेमन भी डाल सकते हैं, पर मैं बच्चों को दूध के साथ दूंगी इसलिए मैं इसमें लेमन नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर स्प्राउट बनकर हो गए हैं रेडी, तो आप भी फ्रेंड इसे ज़रूर बनाइए। इस समय फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए मैंने बच्चों के मिल्क को थोड़ा चेंज कर दिया है। मैं बच्चों को चिल्ड और ठंडा मिल्क दे रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बच्चों को दूध पिलाना बहुत बड़ा टास्क होता है, तो इसलिए मैं दूध को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, थोड़ा टेस्ट ऐड कर रही हूँ दूध में। आपके बच्चे भी अगर दूध पीने में आनाकानी करते हैं तो आप इस तरह का दूध उन्हें बनाकर दे सकते हैं। जब ठंड पड़ती है तब मैं थोड़ा सा गर्म दूध दे देती हूँ, या नाइट में जब मैं उन्हें दूध देती हूँ तो हल्दी वाला ही दूध देती हूँ। और मॉर्निंग में इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैं उनको थोड़ा सा ठंडा ही दूध देती हूँ। और मेरे बच्चों को दूध में बूस्ट लेना बहुत पसंद है, बॉर्नविटा बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे भी बूस्ट बहुत पसंद है, तो इसलिए यहाँ पर मैं बूस्ट डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा फ्लेवर के लिए है। वैसे मैंने सुना है कि इन हेल्थ ड्रिंक्स में कोई भी ताकत नहीं होती है, बस ये थोड़ा सा दूध के टेस्ट को चेंज कर देते हैं और इसी बहाने बच्चे दूध पी लेते हैं, तो इसी वजह से ये सब यूज़ करना पड़ता है। इस दूध को मैं थोड़ा सा कोल्ड कॉफ़ी की तरह बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने शुगर डाली है और बूस्ट डाला है, मिल्क डाला है, और अब मैं इसमें आइस डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, एकदम ये कोल्ड कॉफ़ी का फ्लेवर आ जाएगा इसमें। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं।
आपके बच्चे भी अगर दूध पीने में ऐसे ही करते हैं तो आप एक बार उन्हें ये वाला मिल्क पिलाकर ट्राई करके देखिए। हम मम्मियों को बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है कि बच्चे किसी तरह कुछ खा लें। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा दूध के टेस्ट को चेंज कर दूंगी ताकि, और ये वाला दूध मेरे बच्चे बहुत आराम से पी रहे हैं समय, और वो उनका बहुत जल्दी हर चीज़ से मन भर जाता है। देखिए अभी कब तक ये वाला दूध पीते हैं, हो सकता है मन भर जाए तो मुझे फिर से दूध चेंज करना पड़ेगा, फिर इसको कुछ ना कुछ अलग ट्विस्ट दे के इसे कुछ अलग बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लिया है तो एकदम ठंडा और चिल्ड दूध बनकर ये तैयार हो गया है। और यहाँ पर ये दो बॉटल्स हैं, तो ये ग्लास की बॉटल हैं, इनमें मैं थोड़ा सा दूध इन लोग को दे देती हूँ। छोटी वाली बेटी से मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि वो दूध जब भी उसे दो तो वो गिरा देती है, और मैं जब से स्ट्रो लाई हूँ तब से बहुत आराम हो गया है। स्ट्रो डाल के दे देती हूँ इसमें तो बहुत आराम से बच्चे पी लेते हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ चॉकलेट सिरप, थोड़ा सा दूध के फ्लेवर को बढ़ा देता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से दूध को सजा कर तैयार करके बच्चों को ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग में दूध पिला सकते हो। यहाँ पर मिल्क हो गया है रेडी, तो यहाँ पर रेडी मैंने कर लिया है, अब बच्चों को दे दूँगी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और जिन मम्मियों के बच्चे दूध नहीं पीते हैं शायद वो बच्चे भी दूध पीने लगे, और गर्मी में ठंडा दूध तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स रोज़ की तरह मेरा मॉर्निंग का काम स्टार्ट हो गया है, और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट देने के बाद अब मैं सभी चीज़ों को अपनी जगह पर रखती हूँ। इससे क्या होता है कि घर बिल्कुल साफ़ रहता है, और यहाँ पर मैं बेड ठीक करती हूँ सबसे पहले, और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सभी रूम की अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं हल्की फुल्की डस्टिंग ज़रूर करती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस जगह धूल जमी हुई है। अगर मैं एक बार कपड़ा मार देती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ अब मेरा घर अच्छे से साफ हो चुका है। तो मैं सभी रूम की डस्टिंग करूँगी, और डस्टिंग करने के बाद मैं नहाऊँगी, और नहाने के बाद आज मैं सोच रही हूँ बच्चों को काढ़ा बना कर दूँ। वैसे तो काढ़ा मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, पर आज मैं दोपहर में उनको काढ़ा बना कर दूँगी, और बच्चों को भी बताऊंगी कि किस तरह से बनाना है, क्योंकि मैं हमेशा बना लेती हूँ बच्चों को बताती नहीं हूँ। पर मेरे ख्याल से बच्चों को भी पता होना चाहिए कि काढ़ा किस तरह बनता है, तो आप भी ज़रूर बताएं बच्चों को।
अभी मुझे फ्रेंड सारा काम करने के बाद दोपहर का लंच भी बनाना है, तो मैं जल्दी से सारा काम निपटाऊंगी और बनाऊंगी दोपहर का लंच। गुड गुड वेरी गुड लॉन्ग वेरी गुड। और क्या है ये? चीनी दाल। गुड दालचीनी लॉन्ग गोल मिर्च और तुलसी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमें लेनी है और हम बनाएंगे इसका एक अच्छा सा काढ़ा। तो रीनी ने तो बता दिया सारी चीज़ें, है ना? आपने बताया? तो अभी मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है और यहाँ पर गोल मिर्च, अदरक, तुलसी, दालचीनी और यहाँ पर कुछ लौंग ली है। मैंने 3 या 4 लौंग ली है। तो चलिए जल्दी से काढ़ा बनाते हैं। फ्रेंड्स, इस काढ़े को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, इसको अपने डेली का रूटीन बना लीजिए। यहाँ पर रिनी को ही ये सारी चीज़ें बनानी है तो बोल रही है, मम्मा मैं कूट कर आपको दे देती हूँ। तो देखिए बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों की हेल्प लेते रहिए। यहाँ पर रिनी ने गोल मिर्च, लौंग और दालचीनी कूट कर तैयार कर दी है। अब हम इसे भी डाल देंगे। हम सब डेली दोपहर में नहाने के बाद काढ़ा बनाकर पीते हैं। फ्रेंड्स, आप सब भी डेली पीजिए काढ़ा बनाकर, और फैमिली में आपके जितने भी मेंबर हैं सबको पिलाइए, बच्चों को पिलाइए, और अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, तो उनको भी ये काढ़ा ज़रूर दीजिए, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, बरसात का मौसम है। काढ़ा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है और अब हम सब पियेंगे काढ़ा। और ये मेरा मॉर्निंग का छोटा सा रूटीन था फ्रेंड्स। तो ये आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो मैंने काफ़ी छोटा बनाया है इसलिए, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग हो जाते हैं बोर, तो इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो आप सबके साथ शेयर किया है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आप सेफ़ रहिए, स्वस्थ रहिए और ये काढ़ा बनाकर पीते रहिए। और फ्रेंड्स, ये काढ़ा तो मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ही आसान है और इस समय सभी लोगों को बनाना आता ही है, पर शायद कुछ कुछ थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। तो मेरा ये काढ़ा कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।